हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक तरह की इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज बेनिफिट होती है जबकि दूसरी को कोई हार्म नहीं होता और ना कोई बेनिफिट होता। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स। आपका जो ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये कैटल्स के साथ साथ घूम रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ये बफेलोज हैं जब ग्रास पे फीड करती हैं तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ग्रास के अंदर जो इग्रेट के लिए वैसे ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जब ये कैटल फीड करते हैं तो ये अपर लेयर ऑफ ग्रास को खा जाते हैं और जो इंसेक्ट्स नीचे होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं इन इग्रेट्स के लिए। ये जो बर्ड है इसकी बीक को देखने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको इंसेक्ट्स दिखाई देंगे। ये देखिए, तो ये इंसेक्ट्स को पकड़ पाते हैं इजीली और इजीली फीड कर पाते हैं। इसमें बफेलो का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, वो तो अपनी नॉर्मल ग्रेजिंग कर रही है लेकिन जो बर्ड्स हैं उन्हें फूड मिल रहा है। तो ये होता है आपका कमेंसलिज्म। इसके कुछ और एग्जांपल भी होते हैं जैसे कि एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। जो आपके ऑर्किड्स होते हैं वो एपीफाइट होते हैं, वो हैबिटेट के लिए दूसरे ट्रीज पे ग्रो करते हैं तो उनको हैबिटेट मिलता है लेकिन दूसरे ट्री को कोई भी उससे बेनिफिट नहीं मिलता। बेरेंकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल। क्या होता है, बेरेंकल व्हेल के बैक पे अटैच्ड रहती हैं, उससे उसका ये फ़ायदा होता है जब व्हेल फीड करती है प्लैंकटॉन्स पे, जो आपकी बेरेंकल होती है वो एक फिल्टर फीडर होता है, तो जब व्हेल फीड करेगी तो वो भी साथ में प्लैंकटॉन्स पे फीड करेगी अपने टेंटिकल्स की मदद से। इससे व्हेल को कोई बेनिफिट नहीं होता, बेरेंकल को राइड भी मिल जाती है और फूड भी मिल जाता है। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है इसका सी एनीमोन एंड द क्लोन फिश। सी एनीमोन के पास आपके स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, इसके कारण आपकी क्लोन फिश उनके बीच में रहती है ताकि उसे प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिले।